वो किस तरह हुई कि इसी यूनिवर्सिटी के फेज के अंदर मेरी आतिफ से बहुत दोस्ती थी, तो उस टाइम पे जल टूट गया हुआ था एंड आतिफ के साथ जो गौहर प्ले करता था और दो लड़के और थे जिनका नाम था हैदर और उमर, और वो 12-14 साल के लड़के थे, बहुत यंग बॉयज थे वो दोनों, तो आतिफ उनके साथ प्ले करना शुरू हो गया हुआ था और वो दोनों जो थे उनको ये लग रहा था कि अब जल हम बन चुके हैं, बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इट वुड हैव बीन आतिफ, जल नहीं बनना था, तो मेरी उनसे भी दोस्ती थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें तो नहीं लगता कोई हमारा यहाँ पे कुछ स्कोप बन रहा है, हम अपना बैंड बना लेते हैं हम मिलके आपस में। तो मैंने कहा यार मैं तो बहुत बुरा गाता हूँ, आई एम अ वेरी एवरेज सिंगर, हमारा क्या ऐसा सेलिंग पॉइंट यूएसपी क्या होगा, यू गाइज आर वेरी यंग, नॉर्मल गिटारिस्ट हो, मेरी तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन बी ए गुड होस्ट, बट मैं सोचता था मैं टेलीविजन टाइप कोई शो होस्ट कर लूँ, पर गाना मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं वील डू इट, वील डू इट, सो वी मेड अ सॉन्ग, हमने एक गाना बनाया, नॉट तो फिर आओ एक और गाना था, हमने गाना बनाया, वो हमने रिकॉर्ड किया। उस टाइम पे आपा ये वेबसाइट्स और फोरम्स पे बड़े पॉपुलर होते थे गाने, तो अंडरग्राउंड में दैट सॉन्ग गॉट पॉपुलर, लोगों ने सुना उस गाने को, लोगों को पसंद आया, यादें था उस गाने का नाम, और हमें कुछ 10-10, 15-15 हज़ार के कॉन्सर्ट्स भी मिलने शुरू हो गए, तो हम बड़े खुश हुए कि यार अभी हम पढ़ ही रहे थे तो साथ ही ये भी स्टोरी शुरू हो गई, गॉट रियली हैप्पी। उस टाइम पे मैंने मुझे किसी ने गिटार गिफ्ट किया, एक्चुअली मुझे भी नहीं गिफ्ट किया, मेरा एक दोस्त था वो बजाता था, तो वो बाहर जा रहा था पढ़ने, वो घर आया तो मेरी बड़ी बहन को बहुत शौक था, तो आपा ने उसे कहा कि यार अहमद तुम ये गिटार मुझे दे जाओ, तुम तो कैनेडा पढ़ने जा रहे हो, अहमद ने वो आपा को गिटार गिफ्ट कर दिया। अब मैंने कहीं से किसी से पूछ के कि कॉर्ड्स क्या होती हैं उस पर बजाना शुरू किया भीगी भीगी रातों में, क्योंकि मेरे सारा इन्फ्लुएंस म्यूजिक का वही गाना था। उस गाने को आपा बजाते बजाते भीगी भीगी रातों में आई मेड अ सॉन्ग से तो फिर आओ मुझको सताओ, एंड इवन दैट सॉन्ग जस्ट लाइक मुझे आज भी कोई पूछता है तुमने किस तरह लिखा था, मैंने ही लिखा था, इट जस्ट हैपेंड, मतलब होता है ना आप एक गाना गा रहे हो भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, करते करते तो फिर आओ, इट जस्ट हैपेंड टू मी। तो मैंने मैं अपने बैंड के पास गया, डर तो नहीं गए थे, डर गया था मैं कि ये क्या हुआ। अच्छा मैं जब अपने बैंड के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कितना बुरा गाना बनाया तूने, इतना बुरा गाना, ये क्या बात हुई, तो फिर आओ मुझको सताओ मुझको रलाओ, लोग तो बोलेंगे कि पूरे आओ मुझे ना सताओ। मैंने कहा ये तो फिर आओ मुझको ना सताओ जो है तो हर बंदा गा सकता है ना और बता बोल सकता है, ये वो हाइट है रिलेशनशिप की, व्हेन यू जस्ट वांट समवन टू कम एंड डू व्हाटएवर दे वांट, सो यू जस्ट वांट देम टू कम बैक। वो कहता है कौन लड़की, और कोई लड़की नहीं थी उसके मेरी लाइफ में, मतलब थी एक लड़की मगर इतना सीरियस कुछ नहीं था कि उसके पीछे गाना बन जाए, और कोई ब्रेकअप भी नहीं हुआ था। अब वो जब ये गाना बना तो इन्होंने कहा हमने तो नहीं गाना रिकॉर्ड करना है, तो बहुत बुरा गाना है। जिस कमरे में आप हम जैम करते थे उसकी दीवार पे मैंने 2005 में आज तक लिखा हुआ, उस दीवार पे लिखा था कि ये गाना हम लोगों की ज़िंदगी बदलेगा, एंड देन वी दे डिड नॉट रिकॉर्ड द सॉन्ग। मैंने खुद किसी के पास जाके एक ऑर्डनरी स्टूडियो में 2500 या 3000 रुपये दे के वो गाना रिकॉर्ड किया, और सिर्फ एक पियानो के ऊपर, और हमने इंटरनेट पर रिलीज़ कर दिया। अब वो गाना इंटरनेट पे रिलीज हुआ तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, अच्छा क्योंकि हम रॉक बैंड बनना चाहते थे ना, बहुत आपको था ना वो कूल लड़के जो होते हैं कि हेड बैंग और ये सब। वो गाना जब इंटरनेट पे रिलीज हुआ तो मुझे कोई 25-30 दिन बाद एक दिन कॉल आई, मैं गाड़ी चला रहा था कि जी मुस्तफ़ा बात कर रहे हैं आप, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ ये, और महेश भट्ट साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि किसी ने प्रॉब्ली कोई जोक कर रहा है, उन्होंने कहा कराएं बात, तो उन्होंने कहा जी वो आपको कॉल करेंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया, उनकी ही आवाज़ थी, उनका कि हमने आपका गाना सुना और हमारी फिल्म इसके बगैर अधूरी है, ये गाना ही उस फिल्म को कंप्लीट करता है, हमारी फिल्म बहुत अरसे से अधूरी थी, हमने ये गाना सुना तो हमें फिल्म की क्लोजिंग मिल गई, आप इंडिया कब आ सकते हैं। तो अब पहले मुझे इस बात को डाइजेस्ट करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने अभी अपना कैरियर शुरू ही नहीं किया था, मैं तो शेयर किया था सबसे पहले ये बात हाँ बैंड से, आई कॉल्ड देम के I told you this song is going to be a good song, so हम इंडिया जा रहे हैं रिकॉर्ड करने, कोई नहीं मानता था। जब इवन के मेरे लिए भी इस बात को उस वक्त डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपा मैंने कुछ पाकिस्तान में गाया नहीं हुआ था, एक अंडरग्राउंड बैंड थे हम जो 15,000 रुपये में कॉन्सर्ट करते थे, और EP और ये सब लोग जब शोज करते तो हम इनको ओपन किया करते थे, तो इवन समटाइम्स ऐसा होता था बोलते थे कोई बात नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए, बट वी वॉन्ट टू परफॉर्म बिकॉज हम इन्जॉय करते थे वो, और कभी भी ये मकसद नहीं था कि म्यूजिक करना है उस वक्त तक जब तक वो इंडिया से कॉल नहीं। करियर क्या बन रहा था कि अभी मैं NCA जाने लगा था मल्टीमीडिया में मास्टर्स करने, अच्छा। तो करियर उस साइड पे जा रहा था ठीक है। कि अब्बू ने कहा था देखो म्यूजिक करना है जो दिल करता है करो, पर
मास्टर्स की डिग्री और बैचलर्स की डिग्री मुझे चाहिए, पढ़ाई खत्म करो जो दिल करता है करो। एनी हैड अ गुड बिजनेस, सो एट द बैक ऑफ माई माइंड ये मेरे जहन में हमेशा था कि यार ठीक है अगर लेट्स से मेरे लिए कुछ वर्कआउट नहीं करता तो आई गो टू डैड्स ऑफिस, पर मुझे वो डैड्स ऑफिस मेरा लास्ट रिजॉर्ट था। मैं चाहता था, मैं आप मानेंगे नहीं, मैं आज तक अपने फादर के ऑफिस नहीं गया, आई हैव नॉट सीन माई फादर्स ऑफिस टिल डेट। मुझे बस हमेशा से था कि मैं खुद कुछ बनूं, कि मैंने खुद कुछ करना है। मैं क्या अब्बू को जाके बोलूं मैं आपके ऑफिस आ गया हूं और अब मैं सीईओ बन गया हूं, वो वाला पाथ मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि मैंने ये पाथ नहीं लेना, मैं कम कर लूंगा मगर अपना होना चाहिए मेरा। तो वो जब इंडिया से कॉल आई तो समझ ही नहीं आई उससे कुछ, अम्मी को बताया, इधर उधर सबको बताया, आधे लोग तो बोलेंगे यार मजाक कर रहा है, किस तरह हो सकता है। अब्बू का क्या रिएक्शन था? अब्बू का रिएक्शन बहुत, अब्बू को बताया नहीं कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, अब्बू सब इंग्लैंड थे, अब्बू को इंडिया से आके बताया था कि इंडिया चला गया वो। अच्छा, वो थ्रू आउट दिस टाइम वो बहुत इग्नोर करते थे सारी चीज़ को, कि जैम भी हो रहा है या शो भी हो रहा है, तो ही वुड जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट कि हाँ हो रहा है, आई एम नॉट बॉदर। हाँ, उनका ये रिएक्शन रहता था हमेशा से। फिर हुआ ये कि हम इंडिया गए, जब इंडिया गए तो उनके साथ मुलाकात हुई महेश भट्ट के साथ, और मुझे पता चला कि ये लोग तो पाकिस्तानी म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं। मैंने उनसे पूछा क्या वजह है कि आप इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं इंडिया में, और अगर आप प्रोफेशनली उन लोगों को देखें और टेक्निकली उनके सिंगर्स देखें तो दे आर फार अहेड, टेक्निकली तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो तो 3-4 साल के बच्चे को बिठा देते हैं बाजे के ऊपर। तो मुझे आज तक आपा उनकी बात याद है, उन्होंने कहा कि जो ये लफ्ज़ों की अदायगी है ना जो ये तुम लोग गाते हो, और दूसरा मुझे याद है उन्होंने कहा कि हमारे सिंगर्स जो है ना वो गले से गाते हैं, तुम लोग दिल से गाते हो, ये चीज़ हमें पसंद है। और ये मुझे आज तक उनकी बात याद है, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि वी नेवर मेक म्यूजिक, ये जो जितने भी बैंड्स हैं बीट आतिफ गौहर, हम लोग ये जो हमारी वाली जो एज थी, हम में से कोई भी बंदा फिल्मों में डेब्यू करने के लिए गाने नहीं बनाता था, हम सब गिटार पकड़ के अपने लिए गाने बनाते थे। ये जितने वो फेस था गानों का, ये कोई इसलिए नहीं था कि यार मुझे एक रिकॉर्ड डील मिल जाए, यार मैं शाहरुख खान के लिए गा लूँ, नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपने लिए बनाते थे गाने और वो इसीलिए इतने पॉपुलर हो जाते थे। तो अनफॉर्चुनेटली जो म्यूजिक हम कहते हैं ना आज बहुत पाकिस्तान का डाउन हो गया, उसकी रीज़न ये बिकॉज एवरीवन वांट्स टू डेब्यू इन द फिल्म। अब हर किसी को वो वाला पाथ लेना कि यार मैं फिल्म में गा लूँ, मैं इंडिया से गा लूँ। अच्छा, बैक टू द स्टोरी, हम इकट्ठे बैठे, उन्हें एल्बम सुनाई, तो फिर आओ ही गाने गए थे, तो उन्होंने कहा अपनी आप बाकी एल्बम सुनाए, बाकी एल्बम सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये गाना भी बहुत अच्छा है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। वो एल्बम में आपका एक इंस्ट्रूमेंटल था गाना, उसके लिरिक्स नहीं थे, और वो तेरा मेरा रिश्ता पुराना भी नहीं था, वो मैंने वैसे ही मेरे दिमाग में एक मेलोडी थी, आना जाना ना कर दीवाना, एक थॉट थी मेरे जहन में जिस पे मैं गाना बनाना चाहता था, पर वो कभी बन ही नहीं पाया। तो मैंने बैंड से बोला कि यार बजाय इसके कि हम इसको एल्बम को जा लेने दें, हम एक इंस्ट्रूमेंटल बनाते हैं जिसमें गिटार बजता है, पियानो बजता है, पर जब कोरस आता था ना तो मैं सिर्फ एक लाइन गाता था, आना जाना ना कर दीवाना, सिर्फ इस थॉट पे गाना छोड़ देते हैं, एक टीजर होगा नेक्स्ट एल्बम में, वील परसू द सॉन्ग, पर ये थॉट मैं जाने नहीं देना चाहता। अब उन्होंने जब पूरी एल्बम सुनी तो मैंने ये वाला गाना प्ले ही नहीं किया, तो उन्होंने कहा बस ये गाने थे आपके, मैंने कहा जी एक और इंस्ट्रूमेंटल है, मैंने कहा जी वो इंस्ट्रूमेंटल है, उन्होंने कहा प्ले करें। अब वो गाना प्ले हुआ, म्यूजिक चलते चलते जिस तरह ये लाइन आई ना आना जाना, सो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड दैट्स आवर सेकंड सॉन्ग। अब हमें समझ ही नहीं आई, और हम बच्चे थे बड़े छोटे से उस टाइम पे, 2005-06 में कुछ एक्सपोजर भी कुछ नहीं था, और मेरा तो मीडिया का कोई एक्सपोजर नहीं था ना, मैं कभी किसी चैनल पे गया था ना, मेरी कोई गैदरिंग थी जहाँ पे मीडिया वाले लोग थे, तो फॉर मी और मेरे लिए इस तरह के लोगों में बैठ के फिल्मों की बातें करना मुझे तो समझ नहीं आती थी कि रिएक्शन क्या होना चाहिए मेरा। सो ही सेड के दिस इज़ आवर सेकंड सॉन्ग, तो मैंने और बैंड मेंबर्स ने हमने अपनी एक दूसरे की शक्ल देखी, तो हमने कहा ठीक है, व्हाट एल्स डू वी से देयर, राइट, या दैट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है, बट सर ये गाना कंप्लीट करना है अभी, हमने उनका हम कर लेंगे कंप्लीट, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर हम पाकिस्तान वापस आ गए, उन्होंने कहा कि हम ये दोनों गाने स्ट्रक्चर करेंगे, रेडी करेंगे, और फिर वील गेट बैक टू यू। तो फिर आओ, उन्होंने बहुत लोगों से ट्राई करवाया म्यूजिकली, उनसे कभी बन ही नहीं पाया। सो इवेंचुअली दे केम बैक टू अस एंड सेड जो आपका ओरिजिनल वर्जन है हम वही लेके चलेंगे, वो उनसे कभी म्यूजिक बन ही नहीं पाया था। आना जाना ना कर दीवाना को उन्होंने चेंज किया तेरा मेरा रिश्ता पुराना, वो उनके लिरिक्स थे, और जब वो मेरे पास पहली दफ़ा लिरिक्स लेके आए तो मेरे अब मेरे जहन में वो थॉट कुछ और था ना, आना जाना ना कर दीवाना, तो जब उन्होंने मुझे ये लिरिक्स बताए तो मैं पुट ऑफ हो गया था एकदम। मैंने कहा सर ये मेरा गाना ही नहीं है, मैंने तो लिखा ही कुछ और था, मेरी तो थॉट ही कुछ और थी, तेरा मेरा रिश्ता पुराना तो यू नो इट डजंट जस्टिफाई
my emotion for the song. So I remember he called me and he said ke aapko pata hai tera mera rishta purana kisko keh raha hai wo film mein, ye khuda ko keh raha to wo khuda se dur ja chuka hai aur wo khuda ke paas wapas ghar mein jata hai aur bolta hai ke tera mera rishta purana. So it's not for a girl. So that had left an impression on me as well ke acha okay this now justifies. Phir unhone mujhe jab bheja bhi to wo itna khoobsurat lag raha tha tera mera rishta purana ke we didn't want to say no to it. Phir hum India gaye, unhone video shoot kiya uska, wapas aaye Pakistan to life hi badli hui thi jab wo gaane release hue. We could not believe ke yaar ekdam itna change ho sakta hai sab kuch. Main tab NCA mein tha aur maine masters in multimedia shuru kar diya hua tha. Final project ke paas tha par wo main nahi kar paya tha phir because we got so busy. Kabhi idhar kabhi udhar, we used to go India a lot, puri duniya firna shuru ho gaye us gaano un gaano ki wajah se. फिर वो कभी डिग्री कंप्लीट नहीं. तो क्या करोगे? करना चाहता हूँ मैं. वापस जाओगे? I want to go. एक एक सेमेस्टर रह गया. मेरा फाइनल प्रोजेक्ट रहता है. फाइनल प्रोजेक्ट रहता है. उसके लिए मैं वाकई जाना चाहता हूँ. तो फिर क्यों नहीं जाते? अब नहीं टाइम क्या करें, इतना टाइम तो निकाला जाएगा. बिल्कुल, मैं जब भी बात करता हूँ जाने की तो मेरे बैंड को लगता है कि 6 महीने फाके आने वाले तो वो कहते हैं नहीं प्लीज अभी नहीं, अगले 6 महीने. आप सोचे मुझे आई कैरिड हर्निया इन माई बॉडी फॉर 12 ईयर्स. आई डिड नॉट ऑपरेट इट बिकॉज मुझे एक तो ऑपरेशन वाली चीज़ों से डर बहुत लगता है. मैं जब भी जाने की बात करता था लोग मुझे कहते थे यार 6 महीने हम क्या करेंगे, 3 महीने हम क्या करें. फाइनली लास्ट ईयर सितंबर में मैंने कहा अब मैं करूँगा ऑपरेट बिकॉज इट टू मच हो गया था मेरे लिए. और इट केम टू अ पॉइंट कि हम लोग एक दफ़ा शो कर रहे थे रहीम यार खान में और मुझे इतनी सीवियर दर्द शुरू हो गई थी दैट आई फेल ऑन द ग्राउंड. तो मैंने उन्हें बोला कि यार अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी इस तरह की जगह पर हों जहाँ मुझे मेडिकल असिस्टेंस ही ना मिल पाए इस तरह के किसी रिमोट एरिया में तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. लेट्स गेट डन विद दिस वन. 2-3 महीने जो है हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे शोज़ के ऊपर. लकीली वी डू अ लॉट ऑफ शोज़ आप लाइक वी प्रेटी मच एवरी वीकेंड. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है.